मुन्ना भाई MBBS, एकलव्य, 3 Idiots और PK जैसी क्रिटिकली अक्लेम्ड ब्लॉकबस्टर्स देने के बाद फिल्म मेकर विधु विनोद चोपड़ा चल दिए हैं हॉलीवुड। विधु विनोद चोपड़ा ने पहली बार एक हॉलीवुड फिल्म को किया है डायरेक्ट। नॉट जस्ट दैट, उन्होंने अपनी हॉलीवुड फिल्म ब्रोकन हॉर्सेस की स्क्रिप्ट भी खुद ही लिखी है, स्टारिंग सम ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन हॉलीवुड लाइक विंसेंट डेनोफ्रियो एंड एंटोन येल्चिन। ये फिल्म है बेस्ड ऑन द US मेक्सिको बॉर्डर गैंग वॉर। अमिताभ बच्चन ने उस वक्त मेरा, जब मैं बिल्कुल स्टूडेंट था, तब उन्होंने इन ए वे मेरे को इतना एनकरेज किया। That's why I'm extremely grateful that he's here today. And same way after Parinda, after Fort, फिर एक और सपना मन में आया कि एक वहाँ फिल्म बनाएं, जिसकी वहाँ के लोग तारीफ करें। रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड अपनी इस मेडन हॉलीवुड वेंचर के ट्रेलर लॉन्च के लिए विधु विनोद चोपड़ा ने बुलाए बी टाउन के अपने फेवरेट स्टार्स अमिताभ बच्चन और आमिर खान को। यहाँ आए आमिर ने किया रिवील कि उनके लिए लैंग्वेज नहीं है कोई बैरियर, उन्हें सिर्फ मतलब है क्वालिटी सिनेमा से। एक्चुअली मेरे लिए भाषा या ज़बान इम्पोर्टेंट नहीं है, जो क्रिएटिव मटेरियल है वो मुझे एक्साइट करना चाहिए। तो फिर क्या जल्द ही आमिर भी दिख सकते हैं किसी इंटरनेशनल फिल्म में एक्ट करते हुए? वो अभी तक मुझको एक्साइटिंग नहीं लगा है। With a number of Bollywood biggies like प्रियंका चोपड़ा going west for work, क्या बॉलीवुड को हो रही है हॉलीवुड से खतरा? Well, हमारे मिस्टर परफेक्शनिस्ट को तो ऐसा ही लगता है। ये खतरा आपको मुझसे नहीं होगा। Here's wishing the talented filmmaker all the success with his first Hollywood film, Broken Horses.